चालू कर रखे हमने। देखो इनोवा तुम लोगों का रिक्वायरमेंट रहता लोगों का, पीपल्स का, दुनिया वालों का, कि तुमको तुम देखना चाहते जिनका इलाज होगा, तुमको फर्क होता नहीं होता। सर यहाँ अल्लाह के हुक्म से हर चीज का 100% फर्क है, और मेरे पास में ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई, मैं सबको एक समान देखता और मैं सबका एक समान इलाज करता। जैसा तुम अपने माँ बाप के वास्ते, तुम जिसके भी माँ बाप रहते उसको ना हिंदू रहता ना मुसलमान ना वो, जो भी बच्चा अपने माँ बाप को प्यारा रहता, वैसा सूफीज्म के गुरु को सारा समाज के बच्चे एक समान रहते उसके वास्ते, और वो किसी के साथ भेदभाव करता नहीं। जो भी है देखो तुम्हारे सामने, इससे पहले उनका पेशेंट आया था, उनको तकलीफ थी, बहुत जगह लेके फिरे थे, कहाँ कहाँ गए थे, किधर मारो बहुत दूर गए थे, सब तरफ बताए, दवा खाने बताए, दुआ पानी अब करे, तंत्र मंत्र भी करे, कुछ फर्क हुआ था कि दूसरी तरफ नहीं? यहाँ आने के बाद में फर्क हुआ, कितनी फर्क जाला, पूरा क्लियर होगा। और उसके बाद में तकलीफ क्या क्या होती थी पहले बच्चे को? बड़बड़ी, चक्कर, हिंदी में बोलो घर में घूमती थी, बड़बड़ी करती थी, वो काम नहीं करती थी, घूमती, पूरा संसार टूट गया था। और यहाँ पूरा सब नाम के साथ में खुलासा होके सब पूरा फोन करा क्या करा सामने आके राइट हुआ, पूरा कितनी परसेंट राइट था, कितने परसेंट राइट उस समय, हिंदी में बोलो, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भेदभाव, जातिवाद, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये यहाँ पर जो है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक समान देखना है, ये मेरे को इसी दीन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से तालीम दिए वाली है। वो जो आपस में लड़ते और लड़ाते वो बदमाश लोग रहते, जो मैंने कभी आपस में गीता और कुरान को लड़ते हुए नहीं देखा, जो इनके हुए इनके वास्ते जो लड़ते मैंने उनको पढ़ते हुए नहीं देखा, तो वो बदमाश लोग रहते जो आपस में लड़ाते हैं। और यहाँ तो ऐसा मामला है, यहाँ हर धर्म और हर जात वाले को मैं क्या बोलते, तो अल्लाह के फजल करम से उसके कलाम इलाही से फैज दिलाता, और मैं को किसी से कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे से, जो भी है तुम आएंगे फैज पाके जाएंगे। और यहाँ खुलासा भी होता कौन डाले थे क्या डाले थे, यहाँ सब बच्ची का पूरा सामने भी आया, पूरे लोगों के नाम भी निकले, दूध में पिलाए थे उसको क्या क्या, उसका वीडियो भी है नेट पे। ये वीडियो इसलिए बना के डाल रहा है कि तुमको भी पता चलना कि मेरे पास में अल्लाह कितने परसेंट लोगों को फैज देता और कितने परसेंट फैज देता। 100% बोले ना, 100% फैज मिलता यहाँ से, ये कुदरत का निजाम है यहाँ से। और दूसरी बात, जैसा मैं बताता तुम वैसे तरीके से घर पे जाके अमला करेंगे तो तुम राइट होंगे, तुम अपने दिल से करेंगे तो नहीं होंगे ना। जैसा उनको बताया था उन्होंने घर को जाके करे वैसे राइट हो गए, कि हमारा उधर भी मारते जाना भाई पुतले करे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ फर्क हुआ ना पूरा, सब कट गया ना, पेशेंट राइट होगा क्या? हाँ, पेशेंट को भी पूछो सर क्या तकलीफ हो रही है कुछ, अब सब राइट होगा? पहले इनका जो पेशेंट था तो वो जब लाए थे तो पेशेंट को खुद होश नहीं था, खाली से बड़बड़ 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 चल रहा था, एक मिनट उसका मुंह बंद नहीं रहा था, जबान पूरे लोग परेशान हो गए थे, घर में के भी, उसके खानदान के भी, यहाँ पे भी लाने के बाद भी, बाहर की पब्लिक भी, बड़बड़ 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 उसका कुछ भी कहानियां चालू थे, चुप बैठ रहा नहीं थी उसकी जबान। बाद में जब अमल करे, मैंने जैसा बताया वैसा करे उन्होंने, तीसरे राउंड के बाद में नाम सामने आया, उससे पहले मैंने सब जकड़ के लेके अल्लाह के हुक्म से राइट करा दिया, चाहे हिंदू हो क्या मुसलमान हो क्या सिख हो क्या ईसाई हो, यहाँ तुम आने के बाद तुम्हारा फैज, तुम्हारा फरक, तुम्हारा गुण देने वाली जात वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो खुदा, वो गॉड, सब उसके नाम है, तुमने उसके नामों को बांट दिए और बांट के तुम उसको बुरा बोल रहे हो। उधर जाके तुम मराठी में बुरा बोलेंगे तो उसको बुरा बोल रहे, इंग्लिश में बुरा बोले तो उसको बुरा बोल रहे, उसका नाम इंग्लिश में गॉड है, संस्कृत में, मराठी में ईश्वर है, उर्दू में खुदा है, इंग्लिश में उसको गॉड बोलेंगे, अरबिक में उसको अल्लाह बोलेंगे, तुम अल्लाह कुछ बुरा बोलेंगे, अब कुछ अपने तो किसका क्या जाएगा लोगों, समझो। और यहाँ का दर जो है यहाँ से सबको फैज मिलता, बता दिया ना, मैंने पूछा दिया ना उनके जबानी, तो अभी भी नाम भी नहीं मालूम पेशेंटों का क्या रहता, मैं कितने पेशेंटों को राइट करा और कितने लोगों के घर जल रहे थे ये वबाओं से, ये बलाओं से, उनके घरों में परेशानी आफत घुस गए थे, तो मैं कितनों की जिंदगी राइट करा, मुझे कुछ खुद याद नहीं। अल्लाह उसका हिसाब रखेगा और जजाय खैर अल्लाह देने वाला है। तुम तोहफे देंगे मुझे लाके या नहीं देंगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम दो या ना दो, मैं कबूल एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ तुम्हारे तोहफे वो मेरी मर्जी, वो देना नहीं देना वो तुम्हारे दिल की मर्जी, मगर मैं तो राइट से भी अल्लाह के नाम पे राइट कर रहा हूँ, दुरुस्त कर रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना है किससे, वो अल्लाह उसका, वो ईश्वर, वो खुदा, वो गॉड उसका हिसाब रखेगा, और वो परमात्मा लास्ट जिसने आत्मा के अंदर लास्ट में उन्हें मुझे जजाय खैर देगा। तुम क्या दे सकते लोगों, तुम्हारी क्या हैसियत है और क्या बयान करो। फिर भी बहुत सारे लोग तोहफे भेजते, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, या इन्हें की तरफ मारो जरा, मुझे तो पता नहीं कोई कंपनी वाले आए थे
मैं यहाँ नहीं था, अभी मैं बाहर गया था विजिट पर, वो पीछे से आए, वो तोहफा देकर गए थे, बहुत दिनों से उनका शुक्रिया अदा करूंगा, मगर वो मेरे को याद ही नहीं रहता। बट जिसने भी दिया, अल्लाह उनके कमाई के अंदर बरकत अता करे, और मेरे मालिक उनके कमाई को और चार चांद लगा दे, और उनके जो भी दहूं सतें बलाएं वबाएं उनके कंपनी के अतराफ में होंगे, जो भी एरियर कंपनी जो कम चश्मे क्या बोलते हैं आईने बनाकर बेचती उनकी जो भी कंपनी है, तो कंपनी में और अल्लाह तरक्की और बरकत अता फरमाए। और जिसने भी तोहफा दिया, तो मैं तो उस वक्त एक्सेप्ट करने के लिए मौजूद नहीं था, बट लंगर में उन्होंने रख के चले गए तोहफा उनके तरफ से बोलकर, और हम कभी आएंगे इंशाल्लाह तो उनसे मुलाकात होंगी। तो देश विदेश से भी लोग तोहफे में भेजते दुनिया में, ये भी किसी ने तोहफे में शर्ट बना के निकाला, तो अल्लाह उनको भी सारा उसका जज़ाए खैर अता करे, और उनके कमाई में बरकत दे अल्लाह, उनके सारे जायज कामों को पूरे कर, जायज ख्वाहिशात को तरक्कियों को उनके पूरे अता फरमा, और उनको भी जो भी तो अल्लाह मेरे मालिक जज़ाए खैर अता करना चाहता ज्यादा से ज्यादा अता कर उनको, और क्या बोलूँ, और उनके सारे वबाएं बलाओं को दूर फरमा, और सारे मोमिन बंदों के अल्लाह के जितने बंदे भी है दुनिया में उन सब के परेशानी आफत दूर फरमाए अल्लाह, और सबको एक दिन सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलाए, और दीन हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो लोगों को, तुम महफूज रहेंगे, वरना किसका क्या देगा तुमको, ऐसा लोग हरकतें करके शैतान के साथ तुमको परेशान करके हलाक कर देते। बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे तुम? करौली। करौली भगवान आप राइट कितने परसेंट, कितने परसेंट हुआ फर्क? 100% पूरी ठीक हो गई, पूरी हो गई। पहले पूरे बड़े बड़े चल रहा था, वो काम नहीं करती थी, वो घूमती घर में घूमती थी, एक जगह पे बैठती नहीं थी, उसको मारने के वास्ते कर रहे थे ना वैसा वो सब पूरा। चलो होगा अल्लाह करम से सब राइट था, इसी दास्तान है यहाँ का निजाम है कुदरत का, यहाँ तुमको फैज नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा, और मैं तुमको जो बताऊंगा उस पर अमल नहीं करेंगे तो किस पे अमल करेंगे फिर तुम, और तुम जियो दिल से अमल करेंगे तो राइट कैसे होंगे तुम, ऐसे बहुत सारे बातें हैं। चलो ठीक है, रोक दूँ।